हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके? और कम से कम समय में करेंगे, और आपने जल्दी जल्दी इसको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, ओके? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर, इट इज़ नोन एज हैवी वाटर, ओके? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर्स का यूज़ किया जाता है, ओके? और ये हैवी वाटर भी कहलाता है, जिसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। विच मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सी मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होती है, तो वो आएगा गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एलिमेंट आर नॉन मेटल, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, तो हमने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, ये ऑप्शन के अंदर दिया होगा आपके पास, ओके? और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट के पेपर में कई बार पूछा गया है, आर्टिफिशियल जो सिल्क है उसको क्या बोलते हैं, रायोन बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फार्मूला N2O होता है, ये आपने हमेशा याद, कई बच्चे NO2 लिखाते हैं वो गलत है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बट N2O हमेशा इसका जो है वो फार्मूला होता है। नेक्स्ट, विच कंपाउंड यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ, ओके? वाटर प्रूफ जो क्लोथ होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्राइड, ओके? तो आपने याद रखना है कैल्शियम हाइड्राइड, ओके? CaH2, ओके? कैल्शियम हाइड्राइड का यूज़ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। विच नोबल गैस इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेंजर गैस का नाम नोबल गैस जिनोन, जिनोन से आपने याद रखना है। विच एसिड इज़ नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल, कौन सा एसिड जो होता है वो ऑयल ऑफ विट्रोल का काम करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके? नेक्स्ट है, फॉर मेकिंग द पैराशूट विच पॉलीमेरिक सब्सटेंस इज यूज्ड, ओके? बोले कि पैराशूट बनाने में कौन सा पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, तो वो विस्कोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड बाय, कौन सी गैस से पोल्यूटेड होता है, ओके? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ओके? नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, वही हमारी जो है NO2, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 होती है, ओके? और अभी हम भी हमने क्या किया था, लाफिंग गैस की थी, लाफिंग गैस क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ओके? और यह भी आपने याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड वही जो लाफिंग गैस है वही हमारी आएगी यहाँ पे, ओके? तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा क्या आएगा, N2O ही हमारे पास आएगा, ओके? बट NO2 भी क्या करते हैं, वो पोल्यूशन करवाती है, ओके? ये क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑल नोबल गैसेस आर, सारी की सारी जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती है, कलरलेस होती हैं और ऑडरलेस होती हैं। इट यूज़ है वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफाई में किसका यूज़ किया जाता है, अलम का यूज़ किया जाता है, जिसको आप फिटकरी भी बोल देते हो, ओके? वाटर प्योरीफाई के अंदर ये क्वेश्चन आपको, एलुमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, एलुमिनियम को कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट से, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश प्रोसेस यूज टू सिंथेसिस अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए हाइबर प्रोसेस यूज़ किया जाता है। विच कंपाउंड एसिड कॉमनली नोन एज एस्प्रिन, एस्प्रिन के अंदर कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, एस्टेल सैलिसिलिक एसिड, ओके? एस्टिल सैलिसिलिक एसिड। डैश गैस यूज टू फिल बलून, बलून के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। डैश इज़ नोन एज बरियाटा वाटर, बरियाटा वाटर किसे बोलते हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड को, ओके? बैरियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बरियाटा वाटर बोलते हैं, ओके? ये भी आपको याद होना चाहिए, ओके? ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी, विटामिन डी के लिए बेस्ट सोर्स कौन सा है, सनलाइट और फिश लीवर। विच गैस ही यूज एज चीफ कंपोनेंट बायोगैस, बायोगैस के अंदर कौन सी गैस होती है, CH4। डैश इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर, ओके? कार्बन जो है उसका प्योरेस्ट फॉर्म डायमंड है, ओके? नेक्स्ट हमारे पास 21st क्वेश्चन हमारे पास, डैश केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम आपने बताना है, ओके? तो सोडियम कार्बोनेट Na2, ओके? CO3, ये क्या है इसका
केमिकल फॉर्म, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड? क्रोमिक एसिड का आपने बताना क्रोमियम क्या है, ट्राइऑक्साइड, ओके, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, ओके, तो ये हमारे पास है क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल नेम ऑफ पिरिक एसिड, पिरिक एसिड का केमिकल नेम आपने बताना ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोफिनोल। इन फोटोग्राफी विच केमिकल यूज्ड एज फिक्सर? सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है फिक्सर के लिए। विच इज यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन? कैडियम रोड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैडियम रोड का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इंटू कौन सी गैस? फोसजीन, फोसजीन में कन्वर्ट हो जाती है। विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? कोबाल्ट किस में होता है? विटामिन B12 के अंदर। डैश इज वन ऑफ मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? बेंजोइक एसिड का यूज़ किया जाता है, ओके, बेंजोइक एसिड याद रखना आपने। विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? परमानेंट हार्डनेस सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, ओके, ये भी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंजोइक एसिड को प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्रीज के अंदर। द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय विच, बिकॉज ऑफ विच कंपाउंड? बायोकार्बोनेट। देखो अगर सल्फेट और क्लोराइड आ जाए तो वो क्या है? परमानेंट है, और टेम्परेरी है बायोकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है 30th क्वेश्चन, ओके। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर? कॉपर को कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कॉपर पायराइट से। विच देयर व्हेन देयर इज डैश डेड ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर्ड इन पेट्रोलियम? एब्सेंस ऑफ एयर, एनरोबिक रेस्पिरेशंस, ओके। ड्यूटेरियम आइसोटोप हाइड्रोजन का। वेट ऑफ आयरन इज डैश व्हेन इज अंडरगोइंग प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, तो उसका वेट बढ़ता है, ये आपने याद रखना है। एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन मोलिकुलर स्टेट पे डिपेंड करता है। एकिशल किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। विच विटामिन इज फैट सोलिबल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैट सोलिबल विटामिन ADEK, ओके, ADEK ये आपने याद रखना है, ओके। आप मेरे नाम से भी याद रख सकते हो, अजय देओल EK, ओके, EK से आप याद रख लोगे क्या? एक अजय देओल था, ओके, अब मतलब आपको पता है ना मरने के बाद बंदे को कितना याद किया जाता है, तो सेम एज इट इज़ एक अजय देओल था, ओके, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो बच्चों, ओके, तो ये आपने याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन लैब वर डन बाय होम? यूरिया, यूरिया जो है सबसे पहले जो बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ओके, किसने बनाया था? फ्रेडविच वॉलर ने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेड और टिन से बनाई जाती है फ्यूज वायर, लेड और टिन से बनाई जाती है, ओके। नेक्स्ट, डैश यूज टू कोट गैल्वनाइज आयरन, आयरन को गैल्वनाइज करने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 41th, विच गैस यूज बाय सी डाइवर फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग? अंडर वाटर ब्रीथिंग के लिए सी ड्राइवर कौन कौन सी गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। डैश एंड डैश गैस हेल्प फॉर राइपिंग ऑफ फ्रूट, यूज फ्रूट एथिलीन एंड एसिटिलीन, ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। डैश फाउंड इन ओर ऑफ गैंग, ओके, गैंग क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती हैं। आयरन कहाँ से मिलता है? हेमेटाइट से, और एल्युमिनियम बॉक्साइट से। कैरोसिन इज मिक्सचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से कैरोसिन मिलता है। विच एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग ऑफ लेड पेंसिल? लेड पेंसिल ग्रेफाइट से बनाई जाती है। लाइटेस्ट एलिमेंट क्या है? लीथियम है। डैश इज द मेन ओर ऑफ मरकरी, मरकरी का जो मेन ओर है वो कौन सा है? वो सिनेबार है, आप सभी को पता है। विच मेटल इज फाउंड इन हाईएस्ट प्रपोर्शन इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा है? एल्युमिनियम है, ओके। माइन एक्सप्लोजन आर मोस्टली कॉज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर, ओके, माइन एक्सप्लोजन के अंदर एयर के अंदर मिथेन गैस मिक्स की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हम बैक साइड आगे हैं, हम आगे जा रहे थे, वन सेकेंड स्टूडेंट्स, देखो
व्हाट इज़ द कंपाउंड यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर? एसीटोन का यूज़ किया जाता है. नेचुरल रबर इज पॉलीमर ड्राइव फ्रॉम आइसोप्रीन. आइसोप्रीन से नेचुरल रबर हमें प्राप्त होती है. नेक्स्ट है कोटिंग ऑफ नॉन स्टिक कुक. नॉन स्टिक कुक के ऊपर किसकी कोटिंग होती है? पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन. ओके, टेफ्लोन बोला जाता है. पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन. नेक्स्ट, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ सन सरफेस रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीलियम एटम. ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली सोलिबल इन नॉन पोलर सोलवेंट. नॉन पोलर के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो घुलते हैं. डैश इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड. फूल गोल्ड किसे बोला जाता है? आयरन पायराइट को बोला जाता है. आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड बोला जाता है. इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस व्हाट हैपन. ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं. ऑक्साइड जो होते हैं मेटल के हमेशा क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. ओजोन का नेचर क्या कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है. केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर सेलुलोज से बना होता है. ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है 61th. पैराफिन वैक्स जो होती है वो क्या होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है. इन विच टाइप ऑफ रॉक इज पेट्रोलियम इज फाउंड? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फाउंड होता है. पैराफिन वैक्स क्या होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. डैश इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड प्लैटिनम. विच इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? रोट आयरन बोला जाता है. विच ओरी यूज रेड एक्सट्रैक्ट रेडियम? पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है. सोल्डर किसका लोहे है? टिन और लेड का. ओके, अभी अभी आपका आया था टिन और लेड से. और भी क्या बनाया जाता है? फ्यूज़ भी बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोपी यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट? कोबाल्ट 60. डैश इज एलिमेंट फाउंड कॉमन इन ऑल एसिड. हाइड्रोजन इज क्रिएटेड बाय अलोइंग आयरन एंड क्रोमियम. क्रोमियम और आयरन को मिक्स करने से क्या मिलता है? निकल आयरन एंड क्रोमियम स्टेनलेस स्टील बनता है. लस्चर ऑफ मेटल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो मेटल्स होते हैं वो लस्चर्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों. ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं 71 क्वेश्चन. विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मिनरल एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन. ओके, टर्म कैटालिसिस वाज कॉइन्ड बाय जोन्स जैकोब वर्जीलियस. ओके, ये कैटालिस टर्म इन्होंने दी थी. विच एलिमेंट इज प्राइमरी रीजन फॉर रेडियो एक्टिव फाइंड इन ह्यूमन बॉडी? पोटाशियम 40. ओके, रेडियो एक्टिव के हमारी अगर बॉडी में आता है तो वो पोटाशियम 40 के कारण आएगा. जर्मेनियम एन अल्ट्रा प्योर मेटल इज प्योरीफाइड बाई विच मैथड? जोन रिफाइनिंग के द्वारा. जर्मेनियम जो है वो अल्ट्रा प्योर होता है, प्योरीफाई होता है. टूथ एनेमल इज मेड ऑफ टूथ एनेमल किससे बना जाता है? हाइड्रो ऑक्सापेटीट, ए मिनरल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट. विच गैस इज फिल्ड इन साइड अ ट्यूबलाइट? मर्करी वेपर एंड आर्गन. डैश इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड. एस्टिक एसिड को क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं. विच विटामिन आर वाटर सोल्यूबल? विटामिन बी एंड विटामिन सी. और के फैट सोल्यूबल कौन थे? एक ए डी था. ओके, सिल्वर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद सल्फर. सल्फर के साथ रिएक्शन के कारण जो सिल्वर है वो ब्लैक हो जाता है, ये आपने याद रखना है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 81th क्वेश्चन. ओके, 81 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड विद द यूज ऑफ? आइस को मेल्ट करने से हम कैसे रोक सकते हैं? गैलाटिन से. ये बी स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है? मैथोनोइक एसिड. ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. इचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद हेल्प ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. विच एसिड यूज सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर? कार्बोनिक एसिड. सिल्वर आयोडाइड यूज एट सीड एजेंट फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल रेन के अंदर सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है. डैश यूज्ड एज कैटालिस्ट टू सिंथेसिस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस प्लैटिनम. वनस्पति घी सिंथेसिस विद हेल्प ऑफ विच कैटालिस्ट? निकल. स्वेलिंग ऑफ ब्रेड टेक प्लेस
कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सिगरेट लाइटर कंटेन कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास अब क्वेश्चन है, विच गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सी गैस यूज़ की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डैश इज टर्म एज मेटल और फ्यूचर, फ्यूचर मेटल कौन सा है? टाइटेनियम है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। सेफ्टी मैचेस आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रेड फॉस्फोरस। ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंटेन सेलेनियम मेटल। जिंक फोस्फाइड इज यूज एड रैट पॉइजन। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? टूथ एनेमल, जो किससे बना होता है? कैल्शियम और फोस्फेट से। ओजोन इज एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। विच मेटल इज नेचुरली एंटी बैक्टीरियल? कॉपर। विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस आफ्टर बिग बैंग? हाइड्रोजन। इफ यू पोर ए हैंडफुल ऑफ साल्ट इन टू ग्लास ऑफ वाटर, वाटर लेवल विल गो डाउन, जो पानी है वो नीचे चला जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारे थे 100 क्वेश्चन थे किसके? केमिस्ट्री के। ओके, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन जो जो हमने आज किए, तो आपने इसको अच्छे से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, वेलकम।